जब से वुलवर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी तश्कील में आई है 2010-11 से, तब से हमने जो एक्सटेंसिव काम किया है वुलवर लेक की इकोरेस्टोरेशन के लिए, उसमें इसका हैबिटाट हमने रेस्टोर किया है, हैबिटाट मैनेजमेंट में है। सबसे पहले हमने डिसिल्टेशन की है, लगभग 5 किलोमीटर एरिया हमने कम्प्लीटली डिसिल्ट किया है, और जो इसमें इन्वेसिव विल्लो स्पीसीज थी उनको रिमूव किया है। तो वो हैबिटाट ठीक होने की वजह से वी आर सीइंग दी पॉजिटिव रिजल्ट्स कि उससे बर्ड्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स बड़ी तादाद में वुलवर लेक में आना शुरू हुई है। तो जो ये बर्ड्स अभी आई है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उनके लिए कुछ थ्रेट्स हैं पोचिंग के वगैरह, उनको बचाने के लिए हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास लगाए। अभी हमने 2 जगह लगाए हैं, बानियारी, एक बानियारी में और दूसरा सदरकूट में। तो इसके पीछे हमारा यही मकसद है कि हम इन बर्ड्स को, माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो हमारे आबी परिंदे हैं जो दूर दराज इलाके से आते, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। जो काम है वो है एंटी पोचिंग का, उस शिकार है यहाँ पर जो बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनकी रखवाली करना। सर हमने यहाँ पे सर सर्विलांस कैमरे भी लगाए हुए हैं, तो उससे हमारा ये हुआ कि हमें बार बार जो लेक में जाना पड़ता था ये चेक करने के लिए कि कोई पोचर मत हो, तो इस कैमरों से हमें ये मदद मिली सर कि हम घर बैठे फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं पूरा लेक जो भी है उसमें देख सकते हैं कि कोई पोचर या कोई बर्ड्स को नुकसान मत कर रहा हो। सर हमारा इरादा है कि और भी 2-3 जगह लगाने का जहाँ पर हमें चांसेस होते हैं, बीच बीच में कभी कभार अगर कोई पोचिंग का इंसिडेंट होता है, हम देख रहे हैं कहाँ पर वल्नरेबल एरियाज़ हैं सर, उन एरियाज़ में भी हम लगा रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस आई है, जैसे कि पूरे जो इलाका है उनको पता है कि कैमरा तो लगा हुआ है, भले ही यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हो या ना हो कि हमें देख रहा है कोई, कि सर्विलेंस चल रही है। तो बहुत जो हेल्प हुई हमें कि बार बार लेक में जाने, उनमें जो एक जो कैमरे का एक जो थोड़ा डर सा होता है उससे हमें ये हेल्प हुई कि जो बर्ड्स हैं यहाँ पे उनकी सुरक्षा बढ़ गई सर, उनको प्रोटेक्ट, बर्ड सारी प्रोटेक्ट हो गई। हमारी पूरी कोशिश है जो भी आबी परिंदे वुलवर लेक में आएंगे या भी एडजॉइनिंग एसोसिएटेड मार्शेस जो वुलवर के साथ हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन दे पाए। उसमें हमने जो हमारा 2-pronged अप्रोच है, एक तो हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को लगाया है ड्यूटी पे जो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग। दूसरा हम सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास अभी हमने 2 जगह लगाए और 2 जगहों को हमने सेलेक्ट किया है, एक वटलब है जुलमस और दूसरा शाहगुंड है। ये हमारे इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है जहाँ बड़ी तादाद में बर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको हम आगे 30 डेज में वहाँ पे भी हम कैमरा नस्ब कर रहे हैं। स्टार्ट में ही हमने नवंबर में ही स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन, उसमें पहले हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को एक्टिवेट कराया, तो जो भी हमें जिन पे शक था कि वो पोचिंग कर सकते हैं उनको हमने छापे मार के वहाँ पकड़ में लाए। वहाँ हमने 2 पैलेट गन्स पकड़े अभी कुल्हामा एरिया में जो बांडीपोरा के साथ है। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद हमें अभी कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जो हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट है, तो इससे एक डेटरेंस आई है, वो एक इसका फ़ायदा भी है सीसीटीवी कैमरा लगाने से।